टोनर्स होते हैं यूजलेस अनलेस टोनर्स का हो कोई पर्पस। टोनर एक ऐसा कैटेगरी है और एक ऐसा स्किन केयर स्टेप है जिसे मैं हमेशा ऑप्शनल बट रेकमेंडेड में डालती हूँ क्योंकि ये टेक्निकली मस्ट हैव नहीं है

शुरुआत में मैंने कहा था कि टोनर्स आर यूजलेस अनलेस टोनर्स हैव अ पर्पस। तो आपको पहले अपने स्किन स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के हिसाब से डिसाइड करना है कि है कि पर्पस क्या अब एक बेसिक पर्पस होता है जो हर इंसान को चाहिए और वो है हाइड्रेशन आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको हाइड्रेशन चाहिए आपकी स्किन पे दाने हैं तो भी आपको हाइड्रेशन चाहिए अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको एक्ने निकलता है तो डेफिनेटली आपको हाइड्रेशन चाहिए और ड्राई स्किन वालों को तो हाइड्रेशन की पूरी की पूरी समुंदर चाहिए सो so, सबसे पहले आई वॉन्ट गिव यू माई रेकमेंडेशन फॉर ड्राई स्किन जो हैं बेसिकली हाइड्रेटिंग टोनर्स एंड हाइड्रेटिंग टोनर्स में गाइज सबसे ज्यादा इफेक्टिव सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्टिव

फ्रेग्रेंस फ्री है सो इफ योर स्किन इज ड्राई सेंसिटिव एग्जीमा प्रोन आपके स्किन पे कोई भी इरिटेशन हो जाती है ये एक प्रोडक्ट आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा इट इज फैब्यूलैस ऑप्शन नंबर टू जो मेरा इतना फेवरेट है एंड जितने लोग दुबई दुबई सऊदी या जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं और इवन इफ यू लिव इन द यूएस आई नो यू हैव ऑलरेडी परचेज इट बिकॉज इन 2023 आई शोड इट इन लिटरली एवरी वीडियो इट इज द सम बाय मी प्रोपोल टोनर सिंस आई बॉट इट लास्ट टू लास्ट ईयर मैं इसे दो तीन बार परचेज कर चुकी हूँ ये एक ऐसा टोनर है जो मुझे कभी कभी तो डाउट होता है कि मैं पी तो नहीं रही हूँ हाउ क्विकली डू आई रन आउट ऑफ दिस टोनर बट इसका सिर्फ एक डाउन साइड है और वो है तो so अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपको फ्रेगरेंस से एलर्जी है फिर आपको ये शायद पसंद नहीं आएगा बट अदरवाइज otherwise... जो मैंने बताई है एंड्रीएट दैट लीव इट फॉर मी इन द कॉमेंट्स मैं वापस बनाऊंगी सेवन स्किन टेक्निक करके देखें इस टोनर के साथ राइस टोनर के साथ या जो है मेरा ऑप्शन नंबर थ्री दी हारू हारू वंडर लास्ट ईयर खरीदा था फीचर किया था इन वीडियो कॉल रियन स्किन के प्रोडक्ट आर एक्चुअली वायरल इन कोरिया एंड दिस हैज बिकम अ स्टेपल फॉर मी बट अगेन इसकी फ्रेगरेंस सं जितनी तो नहीं है पर थोड़ी बहुत तो है लाइक इट्स अ माइल्ड फ्रेगरेंस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हनी वनीला मेरे को तो फ्रेगरेंस बहुत पसंद है प्रोवाइडेड की फ्रेगरेंस मेरे पसंद की हो इन दोनों में फ्रेगरेंस है तो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है जिनको फ्रेगरेंस एलर्जी है वो ये दो ऑप्शन ना यूज करें आप यूज करें आई एम फ्रॉम कर राइट स्टोना बट एवरीबडीज

PHAs की बात करी जाए then they they are are gentler than lactic acid, they are gentler than glycolic acid. ये वैसे तो मैं रेकमेंड करती हूं कि हफ्ते में दो बार ही यूज करो, पर अगर आपने इसको तीन चार बार भी यूज़ कर लिया तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मत यूज़ करना, ब्यूटीफुल एक्सफोलिएटिंग प्लस हाइड्रेटिंग टोनर जब आपका चेहरा वेल well एक्सफोलिएटेड होता है यू आर ऑल्सो गिविंग इट दबिलिटी टू अब्सॉर्ब द हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट बेटर सो दिस इज माई रिकमेंडेशन नंबर काफी यूज करी है जीरो पॉइंट एट परसेंट सॉरी एट परसेंट ग्लाइकोलिक एसिड विच इज बाय मिनिमलिस्ट अगेन दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल हैं दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है बट ये एट परसेंट ग्लाइकॉलिक सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल यूज़ ना करें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, यू टू अबाउट फाइव परसेंट फाइव परसेंट आपको पिक्सी में मिल जाता है सेवन परसेंट मिलता है ऑर्डनरी में ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट मुझे ये ऑर्डनरी के फॉर्मूला से ज्यादा जेंटल लगता है

ठीक है, because एक ही ingredient को तीन चार में खरीद के कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज मैक्सिमम यू बाय द सेम इंग्रेडिएंट इन अ क्रीम इन अ टोनर और फिर सब कुछ लगा लो एंड स्किन बैरियर डैमेज कर लो बट अगर आपको टोनर फॉर्म में एक्सफोलिएशन करनी है then these products are highly recommended. इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे टोनर की जो अभी मेरे पास टोनर फॉर्म में है भी नहीं मेरे पास ये है टोनर पैड फॉर्म में क्योंकि टोनर फॉर्म काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था बट ये मेरा रेकमेंडेशन है उनके लिए जिनके चेहरे पे दाने हैं कोमोडोनल या एक्टिव यह मेरा सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड प्रोडक्ट है सबसे रेकमेंड, ज्यादा रेकमेंडेड ब्रांड है वन इट कम्स टू

Absolutely, absolutely अबाउट कि टोनर्स को अगर हम लगा रहे हैं स्पेशली इस तरह के एक्सफोलिएटिंग टोनर्स को लगा रहे हैं तो लेयरिंग कैसे की जाए बिकॉज जब हम हाइड्रेटिंग टोनर लगाते हैं तो उसके बाद तो आप अपना रेटनॉल लगा लो सेल न्यूसिन लगा लो मल्टीपेपटाइट लगा लोडी मच प्रोसेस इज क्लियर बट आपके जो एक्सफोलियेटिंग टोनर है उसके साथ आपको किस तरह से लेरिंग करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका एक्सफोलियटिंग टोनर है किस स्ट्रेंथ का है अगर तो आपके पास ये है जैसे पी एच ए टोनर थ्री परसेंट एक्सफोलिएट किया इस रात को अगर आप रेटनॉल भी लगा लेंगे कोई खास आपके स्किन पे इरिटेशन नहीं होगी लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कोई भी एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज करने के बाद उसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसके साथ जरूर लेर करें नायाड से beautiful ingredient that works on every skin type एक्सेप्ट ऑफ यू कुछ लोग हैं जिन्हें टू परसेंट ना सिनेमाइट भी सूट नहीं करता बट मोस्टली नाया सिनेमाइट इज एन इनग्रीडियंट दैट वर्क ऑन एवरीबडी सो जब आप इस तरह के एक्सपोलियेटिंग टोनर्स को कम्बाइन करते हैं विद ए नाया सिनेमाइट से अपने स्किन को ब्राइटनिंग एक्सफोलिएशन का टू इन वन पावर पैक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं हाइड्रेटिंग टोनर्स आर वेरी सिंपल हाइड्रेटिंग टोनर लगाया आपने इसके बाद आप एच ए बी एच ए सैरम लगा लो रेटनॉल लगा लो मल्टी मल्टीपेप्टर लगा लो जो आपका मन आए लगा लो बिकॉज दीज आर सो जेंटल एंड सो हाइड्रेटिंग कि इससे आपके स्किन पर कोई इरिटेशन नहीं होती द की माई फ्रेंड्स इज टू फाइंड द करेक्ट टोनर टू फाइंड वॉट योर स्किन लवस एंड